अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजी काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इरीगेशन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया इज बिल्डिंग इरीगेशन प्रोजेक्ट्स एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्केल। से स्टार्ट करते हैं। Thank you.
जी जनाब। अच्छा, जिस तरीके से ये काम हो रहा है और कई जगहों पे हो भी गया होगा, डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है, मतलब मुझे बहुत बड़े लेवल पे लग रहा है, बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही बड़े लेवल पे। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कुदरत का एक निज़ाम है दरियाओं का। सही। कुदरत, अच्छा ये कुदरती निज़ाम है। अच्छा, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, जब माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं तो और ज़्यादा पानी आता है। अच्छा, कुदरत ने आपको एक चीज़ दे दी है, अब आपको उसको संभालना है। तो ये तरीक़ेकार होते हैं डैम्स का, नहरों का। अच्छा, हमने अपने स्कूलों में पढ़ा है पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान है। ऐसा ही है, मुताला पाकिस्तान में पढ़ा है, आप पढ़ाया सोशल स्टडीज़ में पढ़ा है, तो क्या ये सच है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे ख्याल में शायद ये तब्दीली आ गई है और एशिया का सबसे अच्छा, बड़ा। मुझे एक बात आप बताएं, अगर इतना ही अच्छा नहरी निज़ाम है, इतना अच्छा इरीगेशन है, इतना अच्छा कैनाल सिस्टम है, तो फिर वो जो अभी फ्लड आया और उसके अंदर सब तहस नहस हो गया, 70% 50% लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 50%, कुछ कह रहे हैं 70% पाकिस्तान डूब गया, तो अगर इतना अच्छा सिस्टम होता, अगर इतने अच्छे इंतजाम होते, तो ये पानी जो डूबने में लोगों को तबाह बर्बादी का बाइस बना, तो ये पानी तो सही जगहों पे होता है, सही जगहों पे यूटिलाइज होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कैसे मान लूँ, पढ़ा तो है, बेशक आप सही कह रहे हैं, 5th क्लास में पढ़ा, 6th क्लास में पढ़ा, डिफरेंट बुक्स में पढ़ा, लेकिन यकीन करना मुश्किल है। अच्छा, हमारे यहाँ पे डैम के बड़े मसले, अव्वल तो डैम कम बने, डैम बहुत ही कम है, ठीक है, अव्वल तो कम बने। अच्छा, जो बन भी रहे थे वो भी सियासत के नज़र हुए। कालाबाग डैम इतना फेमस इशू है पाकिस्तान का, कालाबाग डैम बन रहा है, कालाबाग डैम बनेगा, ये होगा वो होगा, पंजाब अलग रो रहा है, सिंध अलग रो रहा है, सिंध को, सिंध वाले कह रहे हैं कि हमारा पानी रोकोगे, पंजाब वाले कह रहे हैं कि हमारे घर डूबेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह कालाबाग डैम को कंट्रोवर्शियल किया गया। आज पाकिस्तान में इतना सैलाब, इतना पानी, अच्छा पानी पीने को नहीं है, थोड़ा बात को समझने की ज़रूरत है, सैलाब का पानी, बारिशों का पानी इतना शदीद है कि पाकिस्तान डूब रहा है, घर बह रहे हैं, जबकि नलकों में पानी है, जबकि आप पानी ख़रीद रहे हैं, आपको पानी पीने का ख़रीदना पड़ रहा है, कितना बड़ा आलमिया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे मुल्क में डैम बनते, पानी को स्टोर किया जाता, अल्लाह पाक ने आपको चीज़ें दी होती हैं, फिर आपको दिमाग यूज़ करना होता है, आपको अक्ल यूज़ करनी होती है। मैंने पिछली किसी वीडियो में मिसाल दी थी कि अगर कोई टैंकर आता है इलाके में, तो आपके पास घरों में बर्तन होते तो आप उसमें सेव करोगे ना पानी, और अगर टैंकर खोल के गली में खड़ा हो जाएगा, गली में, तो आपको तो नुकसान पहुंचेगा घरों को, वो बह जाएगा, एक तो वो लॉस भी हो गया, अब बर्तन नहीं है आपके लिए रहमत से ज़्यादा हो गया। अच्छा, बर्तन नहीं है, फर्ज करते हैं हम गरीब हैं, तो बर्तन आप खरीदोगे, कोई ना कोई सिस्टम करोगे, या किसी को कहोगे यार तुम अपना बर्तन दो, हम पानी आधा आधा करेंगे, कुछ तो कुछ आप उसको जॉइंट प्रोडक्शन करके, कुछ भी करके आप एक डैम बनाओगे, डैम आप उधार ले लोगे, लोन ले लोगे, कुछ भी करके आप डैम बनाओगे, उससे बिजली बनेगी, आपका पानी सेफ होगा, आपका मुल्क ज़रई मुल्क है, आपका मुल्क आपाशी वाला मुल्क है, हमारा मुल्क, तो जाहिर सी बात है कि इससे आवाम को फ़ायदा होना है, फसलें उगनी है और पैदावार में इजाफा होना है, लेकिन हमने इस नेमत को, इस इतनी बड़ी नेमत को हमने ज़ाया किया, ज़ाया नहीं किया बल्कि वाकई ईसाई कह रहे हैं जहमत बना दिया, और उलट दूसरी तरफ। अच्छा, इंडिया में कितने डैम, आपकी सोच, बाकायदा एक जल चल रहा है, 5,000 डैम इंडिया ने बना लिए, 5,000 डैम इंडिया ने बना लिए, और हम जो है हम नोट बनाते रहे, हमारे सियासतदान करप्शन करते रहे, इंडिया डैम बनाता रहा। मुझे एक बात आप थोड़ा सा, मतलब आप ये वाकदा वायरल, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, 5,000 क्या, वो 10,000 बना सकते हैं, उनमें गट्स हैं, उनमें सलाहियत है। दूसरी बात ये है, वो ऑनेस्ट है अपने मुल्क से। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, अभी डोनेशन भी के भी बड़े मामला हो रहे हैं, यूरोप भी दे रहा है, दूसरे मुल्क भी दे रहे हैं, बांग्लादेश भी आगे आ रहा है, इंडिया ने भी बोला है कि भाई वाकई हम बहुत अफसोस हुआ है हमें देख करके, जो सूरत हाल है पाकिस्तान में उनके इलाकों की, उनके लोगों की। तो मैं ये सोच रही हूँ कि चलें ठीक है, अब तो हो गई दबागारी, अब तो हो गई बर्बादी, अब क्या मतलब सांप निकल गया उसको कहते हैं ना, लकीर रिपीट कर क्या फ़ायदा है, अब छोड़, ठीक है अब संभल भी जाएंगे। मैं मुझे उम्मीद है कि जो भी है रोग आकर घिसट कर जो भी है मसला मसाइल हो जाएंगे हल, मुझे पता है, मुझे उम्मीद है आ जाएंगे, हम दोबारा से अपनी एक ट्रैक पर आ जाएंगे, लेकिन अब आगे का क्या,
अब आपने अकल ली, अब आपने होश के नाखून लिए, अब आपको समझ चले अब तक नहीं थे, आप बहुत मासूम हैं, आपको नहीं पता होता है, आप देखते ही नहीं हैं, आपके पास ना गूगल है, आपके पास ना नेट है, आपके पास कोई सुविधाएँ नहीं है, आप दूसरे मुल्कों को देखते नहीं हैं, दूसरे मिनिस्टर्स को नहीं देखते हैं। मान लिया मैं 100% आपसे एग्री करूँ। अब जो हालात हैं ठीक है, बहुत ख़राब है, बहुत बर्बादी होगी, सब बह गया, सब ठहस महस हो गया, अब संभल जाएंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक संभाल लेंगे। अब आगे का बताएं कि आपने कोई स्टेप लिया, आप मुझे जवाब दें कि आपने कोई कदम उठाया, क्या वाकई जो डोनेशन बाहर से आ रहा था, जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, उसमें से कुछ कोटा, कुछ बजट, कुछ हिस्सा हटाया डेब्स के लिए, चीज़ों के लिए, कि नेक्स्ट टाइम ये बर्बादी ना हो, नेक्स्ट टाइम हम संभल जाएं। करे कौन मसला सारा ये ना, करे कौन, तो और इसका फिर मतलब जानबूझ के हो रहा है ना, जो भी हो रहा है। आपको अकल है, मुझे अकल है, लिखने वालों को अकल है, सुनने वालों को अकल है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकते हो कि आप नहीं कर पा रहे हो? अच्छा करे कौन? दूसरा फिर आवाम के अंदर इतना शऊर नहीं है कि आवाम को जो बता दिया जाता है, आवाम को एक एक रहनुमा होता है, वो कहता है कि ये डैम बनेगा तो इसका नुकसान है, पूरी आवाम उसके पीछे पड़ जाती है, अच्छा इसका इतना नुकसान है, फिर तो नहीं बनना चाहिए, फिर एहतजाज हो रहे हैं, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, अभी क्या कहते हैं अपना यहाँ तक तो लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यार ये जो फ्लड आया है इसकी वजह से तो यूँ समझ लो कि हमारे मुल्क की चांदी लग गई है, पूरी दुनिया से हमारे पास डोनेशन आ रही है, उल्टा मतलब इस बात को लेके लोग उल्टा एक बिजनेस के तौर पे बिजनेस के सारे लोग नहीं कहते, जो मजलूम है वो ये नहीं कहेंगे, जो गुरबा है वो ये नहीं कहेंगे, जिनकी जेबों में नोट जा रहे हैं वो ये कहेंगे, जिनकी चांदी लगी है वो ये कहेंगे, हमारे सियासतदान ये कहेंगे, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं, आम आवाम भी, आम आवाम भी कैसे फायदा हुआ मुझे नहीं, फायदा नहीं हुआ, आम आवाम इसको समझ रही है कि ये तो बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट लॉटरी निकल गई, तो समझिए मांगने का उनको बहाना ही जरिया मिल गया, इससे तो मैं एग्री करूंगी, लेकिन फायदा आपको कोई फायदा हुआ, मुझे कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। और गुरबा को भी कितना मिल रहा है वो हम पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि शायद 1% भी मिल जाए तो बड़ी बात है, 10% भी मिल जाए तो बड़ी बात है। इन फ्लड्स की वजह से आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं, मईशतदान जो तजियाकार हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान 20 साल पीछे चला गया, पाकिस्तान जहाँ था जहाँ तक पहुँच गया था 20 साल पीछे चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ पे ये सारी तबाहियाँ हुई हैं, आपको पता है फसलों को नुकसान हुआ, अब दोबारा कब फसलें उगेंगी, दोबारा कब खेतीबाड़ी होगी, कब लोग रिहेबिलेट करेंगे, जब दोबारा लोग वापस जाएंगे, तो मैं पता है बाकायदा शहरों की तरफ लोग आए हैं, और बाकायदा ऐसी भी वीडियोज़ लोगों ने बनाई है घरों की खिड़कियों से कि शहरों में जो स्कूल बंद पड़े हुए ना उनके ताले तोड़ तोड़ के अंदर लोग घुस के रातों को रह रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक और ख़तरनाक सुनने में आ रही है कि एकदम से शहरों में क्राइम बढ़ गए हैं, एकदम से लूटमारी वाला मामला बढ़ गया है, उसकी वजह ये कि देखिए एक बात है, एक शख्स भूखा मरेगा, भूखा मरेगा क्या करेगा, वो तो पागल हो जाएगा, वो तो कहेगा मैं कुछ भी करूँ, इनको मैं ऐसे भी मर रहा हूं, मैं वैसे मरूंगा, कोई मसला इनको, इन, इसका हल मरूंगा। इसका हल ये होता है कि आप बाकायदा इनको कहीं खेमे दो, खेमे लगाओ। और हाँ एक और अजीब व गरीब बात, बहुत पहले किसी ज़माने में 90 में बलूचिस्तान में आया था ये फ्लड, तो बाकायदा यहाँ लोगों ने एक इलाका है लियारी के करीब, वहाँ पर लोगों को खेमे लगा के दिए, बलोचों को वहाँ पर बाकायदा लोग रुके थे, वहाँ पर उनका ठीक है किसी ज़माने में, अब क्या हुआ पता है, यहाँ तक सुना है कि पूरे जोक दर जोक शहर की तरफ कराची की तरफ आ रहे थे, उन पर फायरिंग हुई है, जो सैलाब जदगान लोग हैं वो शहर कर रहे थे, उन पर फायर हुआ है, ये हालात चल रहे हैं। और ये सिर्फ जिस दिन हमने ये सोच लिया, सबसे पहले तो ऊपर हुक्मरानों ने ये सोच लिया कि ये मुल्क हमेशा के लिए है, हम आज जितना लूट लें कल हमारे बच्चों के लूटने के काबिल तो छोड़ो, मतलब कम से कम सियासतदान इस मुल्क में वो बीज तो डाल के चले जाएं कि कल हमारे बच्चे इसको लूट तो सकें। आप इतना क्यों नहीं छोड़ रहे हो कि कल को आपकी आने वाली नस्लें इससे कुछ ना हासिल करें? एक शख्स फैक्ट्री भी लगाता है, एक शख्स फैक्ट्री से इनकम हासिल करता है, तो फैक्ट्री में कुछ बनाता भी है ना, उस फैक्ट्री की चीज़ें बिकेंगी तो उसकी आने वाली नस्ल चलेगी ना। तो इस मुल्क से आप लोग खा रहे हो सियासतदान, तो इस मुल्क को इस काबिल तो छोड़ो कि आपकी आने वाली नस्लें भी खाएँ। अच्छा मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ, अक्सर क्या ऐसा नहीं है कि अगर सैलाब आ गया है या पानी बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे, जो बिल्कुल ही समझो हमारी विसात से बाहर था, जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे, ऐसा भी नहीं है। अगर हम इंडिया को थोड़ा सा मतलब पूरी देश की एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया की पानी आपने देखा है ना कि हमारे जो पीने का पानी है तो वो भी वहाँ से ही प्रोवाइड होता है, वहीं से आता है, एक एग्रीमेंट है, एक ये भी शोषण छोड़ा जाता है कि अब हमने कुछ दिनों पहले सुना था, मैंने भी बहुत फेसबुक पे बहुत वायरल हो रहा था कि पानी इंडिया की तरफ से छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे जो इलाकाजात हैं वो बिल्कुल तबाह हो बर्बाद हो गए। तो फिर बाद में क्लियर हुआ, एक वीडियो में हमने देखा भी था, उसमें वो कह भी रहे थे कि रावी और सतलज के ऊपर हैंडओवर तो है इंडिया का, लेकिन फिर भी परमिशन चाहिए होती है,
ठीक है। और दूसरी बात ये, इंडिया चाहे भी तो नहीं कर सकता, उल्टा मुआहदे के तहत बिना परमिशन नहीं हो सकता कुछ। उल्टा उल्टा मुआहदा ये है कि आप पानी रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि मुआहदा देखिए पानी चाहिए चाहिए ना, मतलब ये तो सालों में ऐसा कोई मसला आता है, कौन सा वाला, फ्लड वाला, ठीक है ना। तो असल तो इशू ये है कि पानी हो, कि इंडिया हमारा पानी रोक ना दे, रोक ना, जिससे हमारी फसलें, हमारे खेत, हमारे किसान, हमारे लोग को फर्क पड़ेगा। तो ये मुआहदा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो पानी नहीं रोकता, ठीक है। तो अगर वो रोकता है तो वो मुआहदे के खिलाफ वर्जी करता है। तो यानी जो अगर सैलाब आ रहे हैं तो उससे उसको जाने देना है, उसको जाने देना है। जो जितना पानी आ रहा है, बढ़ गया है पानी बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, वहाँ भी आए होंगे लाजमी। अच्छा एक और बात है, ये हमारा मिसमैनेजमेंट है। देखा जाए तो इंडिया को अगर आपने, वहाँ पे कितना पानी है, अगर वो मैनेज ना करें, अगर वहाँ पे ये चीज़ें आप देखें, इरिगेशन सिस्टम कितना मजबूत बना रहे हैं वो अपना, यार ये मैंने अच्छा ये मैं पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि सुरंगों के अंदर से, मतलब मैंने ज़्यादा ये देखा दरिया है, दरिया से नहरें बड़ी बड़ी नहरे, हाँ। बड़ी नहर से छोटी नहरें पूरे पंजाब में ना, आपाशी का निशान, ठीक है। मतलब ये कौन सा सिस्टम है कि यार, मतलब पूरी पूरे टनल्स के अंदर से पानी जा रहा है। अच्छा इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या, आपका पानी ज़ाया भी नहीं होगा। आपने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एग्रीकल्चर को भी प्रोवाइड होगा, पीने का पानी प्रोवाइड होगा, इलाका जात को प्रोवाइड होगा, गाँव को प्रोवाइड होगा। मतलब मैं खुद भी सोच रही थी यार पानी का सिर्फ एक पर्पज़ ये है कि पीना है, सफाई सुथराई के लिए काम आना है, और क्या है। लेकिन बाकी आप देखिए तो ज़रात में काम आएगा, इलाका जात को मिलेगा, गाँव को मिलेगा। उसके अलावा ये पंप्स भी बन रहे, गेट्स भी बन रहे, इरिगेशन का पूरा सिस्टम, एक मुनज़्म इंतज़ाम जो है ना वो किया जा रहा है, डैम्स की वजह से बिजली बनेगी। और डैम्स तो ऑलरेडी आपके लिए 5000 से अब डैम्स बहुत बनाया, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत कॉस्टली होता है डैम। काफ़ी दिनों तक तो हमसे चंदा भी जमा किया गया है डैम के हवाले से, इमरान खान के दौर में स्पेशली बहुत लोगों ने, उससे भी पहले था इमरान खान के दौर में भी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी खैर इसको लेकर। तो अच्छा खासा अमाउंट जमा हुआ था डैम के हवाले से, मुझे अच्छे से याद है कि हर वक्त आओ डैम बनाया, आओ डैम बनाया, आओ डैम बनाया, लेकिन वो डैम नहीं बना। 110 अरब, कोई छोटा मोटा डम्मा ही डब्बे टप्पी बना देते, टप्पी बना लेते, हम उसमें भी खुश हो जाते, डैम नहीं बन रहा था। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये जो इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियंस हैं, इनकी इतनी इतनी वर्थ है, इनकी इतनी इतनी दौलत है, अगर वाकई ये दान करना चाहें, हम देखें उनके इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी हो गए, टाटा हो गए, कितने बड़े दिल के मालिक हैं यार, हमारे पॉलिटिशियंस इतने बड़े दिल के मालिक क्यों नहीं, क्यों नहीं करते। अभी अभी सैलाब वालों के लिए एक महीने की सैलरियाँ ली गई हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन से, एक महीने की सैलरियाँ काट के उनको दी गई हैं। तो एक शख्स ने क्या ट्वीट किया पता है, बोला एक महीने की सैलरी इनकी ना लो, एक महीने की करप्शन हमें दे दो, इनका भला हो जाएगा, इनका भला हो जाएगा, बोला सैलरियों से इनकी नस्लों का भला हो जाएगा, हमारे नहीं आ रहे। बोला एक महीने की, असल पता क्या है गवर्नमेंट का मामला क्या है, इनको सैलरी से तो मतलब ही नहीं, मतलब इनकी दुप्पड़ कब होते हैं इनका, इनकी सैलरियाँ तो सेफ हो जाती हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत हैरान कुन वीडियो मैं कहता हूँ, इतना बड़ा, इतना ह्यूज लेवल पर, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी, सैलाब आने से पहले ही इंतजाम हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोबारा किसी और लगा था, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।